टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज को लाहौर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स की अर्जेंट हायरिंग का आगाज करना है, जिसमें हमें उन तमाम कैंडिडेट्स की जरूरत है जिनकी तालीम नहीं है, जिनका तजर्बा नहीं है, जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है, हाइट अच्छी है, फिजिकली फिट है, बॉडी ठीक है, ज्यादा हेल्दी यानी मोटे नहीं है और स्लिम एंड स्मार्ट है लेकिन फिजिकली फिट है। ऐसे तमाम अफराद इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपकी तालीम नहीं है, चाहे आपका तजर्बा नहीं है। 20 और 40 साल के दरमियानी उम्र के वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इस नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास असल शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। असल आईडी कार्ड के साथ लाहौर के अंदर शादरा मोड़ 25 नंबर स्टाफ अल्फला बैंक के बिल्कुल सामने बेसमेंट के अंदर हमारा ऑफिस मौजूद है। 5 साल से हम यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को इस अदारे के जरिए नौकरियां प्रोवाइड कर चुके हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इस ऑफिस का टाइम है, पीर से लेकर हफ्ते तक, इतवार को छुट्टी होती है, ऑफिस बंद होता है, पीर से लेकर हफ्ते तक आप इस दफ्तर को किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपये है। किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अपने साथ लेकर आए, अपना सामान, अपने कपड़े, अपने बिस्तर को साथ लाएं ताकि मजीद कोई परेशानी ना हो। ऐसे तमाम अफराद जो कि दूसरे सूबे से लाहौर में आके नौकरी करना चाहते हैं, आप सिंध से हैं, आप बलोचिस्तान से हैं, आप कश्मीर से हैं, आप गिलगत से हैं या आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो आप अपने इलाके से आने से पहले अपने इलाके की पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर आए। आप किसी भी करीबी थाने में चले जाएं, आप खिदमत मरकज सेंटर पे चले जाएं और वहां से जाके अपना आईडी कार्ड दिखा के अपनी पुलिस वेरिफिकेशन साथ लेकर आएं। जो पंजाब के तमाम रिहायशी होते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लाहौर से भी मिल जाता है लेकिन उसको 2 दिन का टाइम लगता है। तो अगर आप पंजाब से हैं, लाहौर में आके वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो 2 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर आप अपने ही इलाके से पुलिस वेरिफिकेशन ले आते हैं, चाहे आप पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं या किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, तो सेम डे के अंदर आप इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारी नौकरियां आपको ऑफर की जाती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टिकटॉक अकाउंट और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ये सारी की सारी नौकरियां अपलोड होती हैं, वीडियोज की सूरत में, तस्वीर की सूरत में। आप रोजाना इन नौकरियों को चेक कर सकते हैं, अपनी मर्जी की नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियों के लिए वो तमाम कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 साल के दरमियान है वो इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिविल गार्ड हैं तो आपकी सैलरी 20 से 22 हज़ार रुपये होगी, आपको रिहाइश दी जाएगी, आपको 2 टाइम का खाना दिया जाएगा। और अगर आप आर्मी रिटायर्ड हैं तो आपका सैलरी पैकेज 28 हज़ार से लेकर 40 हज़ार के दरमियान होगा। आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियों को भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और आप रिसेंटली आर्मी से रिटायर्ड हुए तो आपको एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी अपॉइंट किया जा सकता है। वो तमाम अफराद जो कि सिविल हैं, अगर इनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो किसी भी तरीके से इनको सिक्योरिटी गार्ड हायर नहीं किया जा सकता। और अगर आप आर्मी रिटायर्ड हैं तब भी आपकी उम्र अगर 55 साल से ज्यादा है तो तब भी बहुत सारे अदारे और कंपनियां ऐसी हैं जो आपको नहीं हायर कर सकती। तो टैलेंट कनेक्टिंग के जरिए वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियों को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें या हमारे ऑफिस को विजिट कर लें। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।